हेलो डियर व्यूअर्स, मैं सपना विश्वकर्मा आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पैलेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, क्लास 10 का चैप्टर 2 है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले समीकरण हम लोग समझते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण का मतलब है, समीकरण वह कथन है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चर और अचर मान को व्यक्त करते हैं समीकरण के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आपका x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, यह एक समीकरण है, लेकिन यह क्या है, एक रैखिक समीकरण। इस पर किसी भी तरह का घात नहीं लगा हुआ है, और जिसमें x और y जो है वेरिएबल है, चर है। ठीक है, और 2 है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब अचर मान है। तो इस समीकरण में इसका वैल्यू x और y के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। और हम लोग आते हैं द्विघातीय समीकरण पे। ठीक है, द्विघातीय समीकरण किसे कहते हैं? द्विघातीय समीकरण में मतलब होता है जिस समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होता है वो होता है द्विघात समीकरण। जैसे कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, यह एक समीकरण है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, इस समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, इसी को पावर को घात बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या हो गया आपका, द्विघात समीकरण। अब एक और क्वेश्चन है आपका, x3 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। ठीक है, अब आइए आपके क्लास 10 का चैप्टर 2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं द्विघात समीकरण का। ठीक है, आपका एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर वन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x-3। इसको हम लोग को बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 2.1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे हम लोग को बताना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग को तो नहीं पता चलेगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला आप लोग को पता होगा। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले के आधार पे हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 x 1। ठीक है, 2ab हो गया। अब इस इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो -6। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x-6। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इधर प्लस में 2x, इधर प्लस में 2x, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इधर 1 है तो ये 6 को माइनस में इधर है, तो बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस क्या बचा हम लोग के पास, 1, और ये 6 को इधर ले आएंगे तो प्लस 6, और इक्वल टू किधर कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, अब आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इस समीकरण में क्या है, मैक्सिमम पावर कितना आया, 2 आया, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात
समीकरण है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करके देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर टू है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू थ्री माइनस एक्स, माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ये क्या है, ये किसी भी फॉर्म में नहीं आता है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो माइनस 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 प्लस माइनस, तीन दूना छः। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस टू, और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स आ गया। ठीक है, अब देखिए इधर भी प्लस बराबर के इधर भी टू एक्स है, बराबर के इधर भी टू एक्स है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर आएगा तो ये जीरो हो जाएगा ना, टू एक्स और टू एक्स को माइनस करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये माइनस में, तो इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या है, इसका भी मैक्सिमम पावर टू आया, तो ये भी द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। नंबर थ्री आप लोग का क्या है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है दोनों पार्ट। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स को वन से करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हो गया काम खत्म। अब इसमें आया माइनस टू। ठीक है, माइनस को माइनस प्लस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और टू और एक्स को करेंगे तो टू एक्स। ठीक है, और माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा और टू हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इधर, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 थ्री एक्स, इसको इसको करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस 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 प्लस माइनस थ्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये प्लस इक्वल टू के इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू के इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, यहाँ पे सीधा आप देख रहे हैं कि स्क्वायर का जो मैक्सिमम पावर वाला पार्ट है वो तो कट गया, तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, फिर भी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू, और फिर इसको इधर ले आते हैं तो माइनस थ्री एक्स, सॉरी इसको इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस टू एक्स। ठीक है, टू एक्स इधर ले आएंगे, फिर ये थ्री है, थ्री को इधर ले आ जाएंगे तो प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स को एक्स, एक्स पार्ट को एक्स से ही माइनस कर सकते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये थ्री में से टू माइनस जाएगा तो प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या यह द्विघात समीकरण है, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर टू नहीं है, इसमें मैक्सिमम पावर वन है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, एक्स माइनस थ्री क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, और x को 1 से करेंगे तो प्लस x,
और ये प्लस माइनस माइनस, तीन दूना छः एक्स, माइनस प्लस माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इस पार्ट को पूरा उठा करके बराबर के इधर ले आते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये एक्स, ये माइनस फाइव एक्स, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, अब ये क्या है माइनस थ्री इक्वल टू बराबर के इधर कुछ भी नहीं है तो जीरो। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस से तो माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो छः पाँच ग्यारह हो जाएगा आप लोग का, और माइनस ग्यारह एक्स को एक से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टेन एक्स, माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है, मैक्सिमम पावर टू है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है जो सेम टाइप का है उसको सॉल्व करना है और उसको देखना है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, और इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्लास में मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर टू बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।